बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बख़ैर, कैसे हैं आप सब। आज संडे का दिन है और तकरीबन सब घर वाले सोए हुए हैं। बस मैं जाग रही थी, पानी आ रहा था तो घर का काम वगैरह करना था। सुबह के टाइम पे ही पानी आता है एक घंटे डेढ़ घंटे के लिए। मैं अपने बगीचे पे आई हुई थी, मैंने सोचा कि मैं वीडियो बनाऊँ, आप लोगों से शेयर करूँ। मैं पानी वगैरह लगा रही थी यहाँ पर पौधों में। यहाँ पर सूरज कैसे निकल रहा है, माशाल्लाह से कितना प्यारा मंजर है। बेबी का पूता है, देखिए इसकी टहनी इतनी बड़ी बड़ी होती है। आज मैं अच्छी मछली कटाई करेंगे। फूल तो फिलहाल इसमें नहीं लग रहे हैं, लेकिन इसकी टहनी बहुत बड़ी बड़ी होती है, कटाई करनी पड़ती है। तो वो कुछ उसमें लग दिन का टाइम नहीं था, लेकिन आज वो इसकी कटाई करेंगे। यहाँ पर देखिए निकले नींबू में काला कपड़ा भी बांधा हुआ है, क्योंकि नींबू लगते हैं। आप लोग जैसे जिस फल वाले तरफ में पौधे मिला काला कपड़ा बांध दिया करें, हमारी अपनी नज़र भी लग सकती है और किसी के आने वाले की भी। तो इस तरीके से मैं जो भी मेरा जो पौधा होता फल दे रहा होता है, तो उसमें इस तरीके से काले रंग का कपड़ा बांध देती हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि चिड़ियाँ कितना रंग करती हैं, जहाँ पर दाना खाती हैं और जिस दर पर बैठती हैं वहाँ पर आप लोग देखते हैं। हम रोज़ धुलाई करते हैं यहाँ। ये मेरा बाहर का स्टोर है जहाँ पे कचरा वगैरह पड़ा हुआ है, सारा एक्स्ट्रा सामान जो घर का होता है। और मेरे हस्बैंड जब बरसात वगैरह होती है, गर्मी में बाइक वगैरह भी खड़ी करते हैं। मेरे बेटे की साइकिल भी रखी हुई है और कुर्सियाँ वगैरह जो बाहर की हैं वो रखी हुई हैं। मेरी वॉशिंग मशीन वगैरह ये सभी भी बाहर ही रहते हैं, यहीं पर मैं लगाती हूँ। और यहाँ भी मैंने अपने लिए चाय चढ़ा दी है, अपने लिए अपने छोटे बेटे उसके लिए, बेटे के लिए। उसने कहा था हमें मुझे 9 बजे उठा देना, मेरा मैच है। तो मैं उसके लिए भी चाय बना रही हूँ, अपने लिए भी। और हम बिस्किट ही खाएँगे सुबह के टाइम पे। रात में खाना देर से खाया था, तो फिर जो उठेंगे कोई का मूड होगा नाश्ते का तो करे। फिलहाल मेरा और मेरे छोटे बेटे का तो मूड नहीं है, वो बिस्किट खाएगा और मैं सिर्फ चाय पीऊँगी। आज मैं आप लोगों से बहुत ही ज़रूरी बात करना चाहती हूँ। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, जितने भी मेरे बहन भाई हैं, और बात नहीं है, ये दुआ के लिए कह रही हूँ आप लोगों को, और किसी की भी दुआ कबूल हो सकती है। तो मैं आप लोगों से, अपने बहन भाइयों से जो मुझे एज में मुझसे छोटे हैं, तो मेरे छोटे बहन भाई जो मुझसे बड़े हैं वो मेरे बड़े बहन भाई, और कुछ मेरे छोटे बच्चों के चैनल भी सब्सक्राइब किए हैं, मैं उन सबसे आज दरख्वास्त करती हूँ और आप सबसे कहती हूँ कि प्लीज़ 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 मेरे बेटे के लिए दुआ कीजिएगा। मेरे बेटे का वो 18 तारीख को टेस्ट है, एंट्री टेस्ट है मेडिकल के लिए। प्लीज़, उसने बहुत मेहनत से यहाँ तक आया है, उसने बहुत मेहनत की है, बहुत ट्यूशन्स वगैरह पढ़े हैं, और हमने भी, और जिससे भी हमारे हालात थे, जिसमें भी थे, हमने उसके ये बहुत कुछ हमने भी किया है, उसने बहुत मेहनत की है। तो अभी वो टाइम आ गया है कि मेरे बेटे का एंट्री टेस्ट है मेडिकल के लिए, एडमिशन के लिए। तो प्लीज़ आप सबसे दरख्वास्त है, आप सब मेरे बेटे के लिए ज़रूर 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 दुआ कीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और कमेंट्स मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने दुआ की या नहीं की, प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। जो भी जिस भी टाइम आपको याद आए, नमाज़ पढ़ें,
और कुरान पाक पढ़ें तो मेरे बेटे के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। कि आप लोग जो मेरी फैमिली हो और अपनी फैमिली से ही दिल की बातें हर कोई करता है, तो मैंने सोचा मैं अपने जो है मेरे सब्सक्राइबर हैं प्यारे प्यारे से उनसे मैं कहूँगी, और किसी की भी दुआ कबूल हो सकती है तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर दुआ कीजिएगा। और मेरे बेटे ने बहुत मेहनत की है और हमने भी इस पर बहुत तवज्जो दी है, और जितना हम दोनों हस्बैंड वाइफ से हो सका हमने उसके लिए किया है। बाकी जो मेरे रब की मर्ज़ी, ज़िद नहीं है, दुआ है, और हम अल्लाह से दुआ करेंगे अगर हमारा नसीब में होगा तो मेरे बेटे का एडमिशन ज़रूर हो जाएगा। तो कहते हैं कि दुआओं से नसीब भी बदल सकते हैं, तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर दुआ कीजिएगा मेरे बेटे के लिए। और मुझे उम्मीद है आप लोगों जिस जिसको मैंने दुआ का कहा है आप लोग दिल से मेरे बेटे के लिए दुआ करोगे, इसलिए मैंने आप सबसे कहा है प्लीज़ मेरे जो भी बहन भाई हैं, और उनको मैं दिल से बहन भाई मानती हूँ जो भी हैं जिन जिनको मैंने सब्सक्राइब किया हुआ है, तो प्लीज़ मेरे बेटे के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। और यहाँ पर मेरी चाय भी तैयार हो गई है, जिसको पीनी है आ जाए। स्ट्रांग सी कड़क सी चाय मैंने बनाई है और मैं सुबह सिर्फ चाय ही लेती हूँ, किसी टाइम मूड होता है तो चाय के साथ कुछ लेऊँ तो लेऊँ, नहीं तो मैं बिल्कुल भी नहीं कुछ खाती, मैं सिर्फ चाय ही पीती हूँ सुबह के टाइम पे। तो यहाँ पर मेरी चाय तैयार हो गई, मैं जाकर अभी चाय का कप पीऊँगी और ठंडी करने के बाद ही पीऊँगी। मैं चाय हमेशा थोड़ी ठंडी करके पीती हूँ, बिल्कुल हल्की सी गर्म रहती है, उसके बाद मैं पी लेती हूँ। कैसी लगी आप लोगों को मेरी वीडियो? अगर अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ख़ासकर मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मैं भी आप लोगों के लिए दुआएं करती हूँ, हर मुसलमान के लिए दुआ कीजिएगा, किसी की भी दुआ किसी भी टाइम कबूल हो सकती है, और मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह आप लोगों को खुश और आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।